टूल किट में साफ देश ने जाना है कि कांग्रेस बता रही है कि कुंभ से कोरोना फैला है। पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत। ममता बनर्जी से लेके और जितना विपक्ष है, क्या विपक्ष ने कभी कहा कि चीनी वायरस है? या इस देश में ये शशि थरूर, राहुल गांधी जितने नेता हैं, जानते हैं क्या कहा जाता था? अरे ये लंदन से पढ़ के आए हैं, ये फला यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटी जब इतनी एडवांस थी, हमसे पहले वैक्सीन बना ली क्या? पोलियो की दवा कितने 20 साल में बन के तैयार हुई भारत में, और एक साल में आपको मोदी जी ने दो दो वैक्सीन ला के खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जाए, जोगी जी को बदनाम किया जाए, जोगी जी के माध्यम से हम मोदी जी को भी घेर लेंगे, यह एक षड्यंत्र है जो गंगा में लाशें दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी, इस देश में 70,000 लोग पैदा हो रहे हैं, उसके लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं, पूछता है भारत। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए कि नहीं? मोदी और जोगी को बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह देश समझ रहा है कि यह एक टूल किट है कांग्रेस का, एक षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है। मोदी जी को बदनाम करने की बात नहीं है, यह देश को बदनाम करने के लिए, किसी तरह से चीन को बचाओ और भारत को बदनाम करो। आज के विपक्ष का असली मकसद है कि इस वायरस को भारत का वायरस बना दो, और चीन को बचाना है और भारत को बदनाम करना है, इसी में पूरा विपक्ष लगा हुआ है। अगर वह पकड़ा नहीं गया होता कसाब महाराष्ट्र में, तो अगर मार दिया गया होता तो उसके हाथों के कलावा के आधार पर कहा जाता कि हिंदू और आतंकवाद। अगर हिंदू आतंकवाद ही करना होता तो हम 500 साल राम मंदिर के लिए इंतजार करते? बिल्कुल, क्या उनको मौका मिलेगा तो 5 साल इंतजार करेंगे? वो लोग क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम इसको फिर से मस्जिद बना देंगे। मुख्तार अंसारी हो चाहे आतिक अहमद हो, सत्ता इनके हाथों से चलती थी। नमस्कार, मैं हरीश बोस्ते और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। लगातार आप टीवी पर, मोबाइल फ़ोन पर, लैपटॉप पर, आज लगातार इंटरनेट पर आप देख रहे होंगे कि गंगा जी में लाशें निकल रही हैं। चाहे आप टीवी चैनल देखें तो वहाँ भी आपको ये साबित करके दिखाया जाएगा कि गंगा जी से लाशें निकल रही हैं, और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसको टारगेट करने की कहीं ना कहीं कोशिश है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जो कोरोना की जो मौत है उनको छुपाया जा रहा है, लाशें जो हैं वो लगातार निकल रही हैं और वो गवाही दे रही हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुधीर पांडे जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखना क्या है, यह एक टूल किट है। देखे थे आप कि सारा जो भी कोरोना का सिस्टम है, जो भी कोरोना यहाँ फैल रहा है वो कहाँ से फैल रहा है? कांग्रेस क्या बताना चाहती है, इस देश का विपक्ष क्या बताना चाहता है? कुंभ से साबित हुआ है ना। टूल किट में साफ देश ने जाना है कि कांग्रेस बता रही है कि कुंभ से कोरोना फैला है, लेकिन आप क्या जानते हैं? क्या कभी एक बार भी वुहान से चीन व चीनी वायरस शब्द निकला कभी राहुल गांधी के मुंह से? ममता बनर्जी से लेके और जितना विपक्ष है, क्या विपक्ष ने कभी कहा कि चीनी वायरस है? या मीडिया के तमाम राष्ट्रवादी लोग जो YouTube चैनल चलाते हैं, वो लोग कहते हैं, TV9 भारत वर्ष लगातार बता रहा है, तमाम चैनल्स जो देश प्रेमी चैनल हैं वो बता रहे हैं कि यह चीन की सुनियोजित साजिश है, लेकिन देश का विपक्ष क्या कर रहा है? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री इस वायरस से लड़ रहे हैं, वह वेंटिलेटर कितने थे इस देश में अब तक 2000, जो जब 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 से वायरस आया उसके पहले गिन लीजिए, जाके सरकारी आंकड़ा उठा के देख लीजिए आज कितने। इसलिए मैं यह सब कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि इस पेंडेमिक में प्रधानमंत्री ने क्या किया, उसका जवाब दे रहा हूँ। हमको क्या ये कहा जाता था सफेदों का देश है, आदिवासियों का देश है, पिछड़ा देश है। इस देश में ये शशि थरूर, राहुल गांधी जितने नेता हैं, जानते हैं क्या कहा जाता था? अरे ये लंदन से पढ़ के आए हैं, ये फला यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटी जब इतनी एडवांस थी, हमसे पहले वैक्सीन बना ली क्या? किसकी देन है, किसके वजह से बन गया? आज DRDO दवाई बना लिया, किसकी देन है? इसके पहले भी तो DRDO था, इसके पहले भी वैज्ञानिक थे, लेकिन कितना एक पोलियो की दवा कितने 20 साल में बन के तैयार हुई भारत में, और एक साल में आपको मोदी जी ने दो दो वैक्सीन ला के खड़ा कर दिया, किसकी देन है भैया?
पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत। यहाँ के सनातन परंपरा को बदनाम करने का कांग्रेस का सुनियोजित षड्यंत्र है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जाए, जोगी जी को बदनाम किया जाए, जोगी जी के माध्यम से हम मोदी जी को भी घेर लेंगे। यह एक षड्यंत्र है जो गंगा में लाशें दिखाई दे रही हैं। मैं पूछता हूँ आपको, 2000 लाशें गिनती हुई है तो टोटल लाशों की संख्या 2000 हुई है, लेकिन क्या मैं पूछता हूँ कि इस देश में कितने लोग पैदा हो रहे हैं? भाई साहब 70,000 लोग रोज, 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, उसके लिए क्यों आवाज नहीं उठती है? आप, हम और राष्ट्रवादी लोग बार बार जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, बताओ ना तुम 2000 मरने पे इतना कोहराम मचा रहे हो, लेकिन राहुल गांधी इस देश में 70,000 लोग पैदा हो रहे हैं, उसके लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं? पूछता है भारत, मुलायम सिंह के बेटा मुल्ला मुलायम सिंह कहे जाते हैं, उनसे पूछता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए इस देश में कि नहीं? मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए कि नहीं? मैं लालू के बेटा से पूछता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए कि नहीं? 70,000 लोग रोज पैदा होंगे तो इस देश में न पानी बचेगा, न अन्न मिलेगा, न रहने के लिए घर मिलेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है, उस पर चर्चा नहीं किया जाएगा, लेकिन यह विभिन्न राज्यों से लाशों को लाके और गंगा में डाल के और जो मोदी और जोगी को बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह देश समझ रहा है कि यह एक टूल किट है कांग्रेस का, एक षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है। लगातार देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो गंगा है उसकी जो बालू है उसके अंदर तक जो दफन करके मिल रहे हैं सब, कई सब जो है वो निकाले जा रहे हैं। क्या वाकई में लगता है जो हिंदू धर्म के लोग होंगे वो अपने परिवारजनों को, अपने परिजनों को ऐसे गंगा में दफन करके, गंगा के किनारे इस तरीके से दफन करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे, या सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है? क्या वाकई में इसकी कोई सच्चाई है? कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हिंदू धर्म का बच्चा मर जाएगा लेकिन अपने बाप का संस्कार करेगा। हमारे वहाँ बगैर संस्कार का यह वो मोक्ष माना ही नहीं जाता, इसलिए बगैर संस्कार के गंगा में लाश फेंकने की परंपरा तो है ही नहीं, यह हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कैसे हैं, वहाँ से उठा के लाया गया है, छत्तीसगढ़ से उठा के लाया गया है, पंजाब से लाया गया है, राजस्थान से लाया गया है, ये लावारिस लाशों को ले जाके गंगा में फेंक के एक सुनियोजित षड्यंत्र, उसको वीडियो बनाया गया है और जितने मीडिया हाउसेज हैं उनको पैसा पहुँचाया गया है एक यह प्लान्ड वे में, और जिसको बहुत अच्छी ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज करके टूल किट के माध्यम से देश को बता दिया है कि सच्चाई क्या है, किस तरह से मोदी जी को बदनाम करने के लिए। मोदी जी को बदनाम करने की बात नहीं है, यह देश को बदनाम करने के लिए, क्योंकि देखिए इस वायरस को मोदी वायरस भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया, चीन के बारे में कभी नहीं कहा गया, वुहान के बारे में चर्चा नहीं किया गया। किसी तरह से चीन को बचाओ और भारत को बदनाम करो। अगर मोदी जी का मोदी वायरस कहेंगे तो इस समय मोदी शासन चल रहा है, तो मोदी के मतलब कि भारत को बदनाम करो, इस वायरस को किसी तरह से लपेटे में ले आके भारत के वायरस को बना दो। आज के विपक्ष का असली मकसद है कि इस वायरस को भारत का वायरस बना दो, और बीच चीन से चुकी समझौता है, सोनिया गांधी और चीन के वो दोनों लोग बैठ के, वीडियो है भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था, दोनों लोग मिलकर समझौता किए हैं, तो किसी तरह से चीन को बचाना है और भारत को बदनाम करना है, इसी में पूरा विपक्ष लगा हुआ है। तो जो टूल किट है उसमें आपने टूल किट में पढ़ा होगा कैसे कहा गया कि जो कुंभ है उसको गाली दो, कुंभ को बदनाम करो, मोदी को गाली दो, इस तरह की चीज़ें लगातार कही गई, एक एक करके सभी चीज़ें जो टूल किट मिली वो आपको देखा होगा सच होते हुए दिखाई दी, पूरी तरह से इंप्लीमेंट भी हुई। आज वो कह रहे हैं कि ट्विटर ने ये साबित कर दिया है कि ये टूल किट जो है वो उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई है, जो फाइल है वो गलत है, इस तरीके के कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार दलीलें दे रहे हैं। क्या वाकई में इसमें सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक नया एजेंडा, नया प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करते हैं? तो हमेशा हर चीज़ में काट ढूंढने का प्रयास किया जाता है, हर चीज़ में इस कांग्रेस किसी तरह से भारत को, हिंदू सनातन और यह व्यवस्था को बदनाम, जिस तरह से आप देखे होंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कलावा पहन के यहाँ जो आतंकवादी आते थे कलावा पहन के आते थे, अगर वह पकड़ा नहीं गया होता कसाब महाराष्ट्र में, तो अगर मार दिया गया होता तो उसके हाथों के कलावा के आधार पर कहा जाता कि हिंदू आतंकवाद, देखे ही थे बिल्कुल, तमाम साधु और देश के लोगों को
पकड़ पकड़ के और साध्वी रितंबरा से लेके और सब तमाम लोगों को जेल में डाला गया और क्या क्या हुआ इस देश में, किस तरह से हिंदू आतंकवाद का गढ़ा गया। अगर हिंदू आतंकवाद ही करना होता तो हम 500 साल राम मंदिर के लिए इंतजार करते। क्या उनको मौका मिलेगा तो 5 साल इंतजार करेंगे? अब कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन जाने के बाद भी राम मंदिर पे जब बन रहा है तो वो लोग क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम इसको फिर से मस्जिद बना देंगे। उनके साथ खड़ा होने के लिए कांग्रेस विवश हो जाती है। और बदनाम कौन होता है? जो सबका साथ सबका विकास यह नारा देता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी छवि पे बाकी में क्या ऐसी चीज़ों से कोई असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको पूरा भरोसा है और वो भरोसा किसी चीज़ पर कभी नहीं टूटेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शांति व्यवस्था कायम हुआ है, इसके पहले अपराधियों का चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आतिक रहमस हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो या हरिशंकर तिवारी हो, ये बड़े बड़े जो माफिया हैं, जमीन माफिया अपराधी, इनका राज था, सत्ता इनके हाथों से चलती थी। हमने देखा है सारे सरकारी टेंडर इनके पास जाते थे, 50-50% कमीशन दे दिया जाता था, काम के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश शासन व्यवस्था की लूट थी। लूट नहीं होती तो 300 करोड़ रुपए का होटल बनवा सकते हैं मुलायम सिंह के बेटे। अगर मुलायम सिंह के परिवार की संपत्ति जोड़ी जाए तो 1,00,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। एक बात बताइए, देश आज शासन में है, आफत में है, परिस्थिति नाजुक है, इतने शिवपाल भाई चाचा हैं उनके, वो भी 1,000,000 करोड़ के मालिक हैं, उनके बेटा मालिक हैं, मुलायम सिंह के दूसरा बेटा भी मालिक है, उनके जितने परिवार के लोग हैं सब लोग करोड़ों 1,000,000 करोड़ के मालिक हैं। क्या यह दायित्व नहीं बनता है कि उसमें से कुछ निकाल के आज देश के सामने वही प्रदेश है, वही गरीब जनता है, वही उनके लिए ऑक्सीमीटर ला देते, उनके लिए बेड की व्यवस्था कर देते, उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कर देते, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर दिए होते, उनके लिए चल दिए होते। कहाँ थे भैया, कहाँ लापता थे? पूरा मुलायम सिंह के परिवार का वीडियो कहीं देखे हैं? कहीं किसी को खाना खिलाते हुए, कहीं को एक भूखे को पैकेट देते हुए, कहीं एक ऑक्सीजन का सिलेंडर देते हुए, कहीं एक बेड देते हुए, कहीं विपक्ष, यही जिम्मेदारी होती है ना। आपको दिखाना चाहिए जोगी जी क्वारंटाइन होने के, जिस दिन क्वारंटाइन हुए उसी दिन कूद गए, दूसरे दिन जिस दिन ठीक हुए, जिस दिन सूचना मिली कि मैं ठीक हूँ उसी दिन से कूद गए, उस दिन वह दिखाई दिए थे इसी नोएडा में। बिल्कुल, उसके बाद से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार वह हर जिले में दौड़ते हुए वह मुख्यमंत्री, उसके साथ जनता जाएगी जो घरों में छुप के और देश को लूटने की बात करता है और अपने परिवार को बढ़ाने की बात करता है, उसके साथ जनता जाएगी। क्या मोदी जी मुलायम सिंह की तरह से 3 बार मुख्यमंत्री मोदी जी नहीं रहे हैं? वह अपने परिवार को राजा नहीं बना सकते थे? तो जनता किसके साथ है? उस मुलायम सिंह जो पूरा परिवार प्रधानी से लेके और मुख्यमंत्री तक सारा पद अपने परिवार में रखना चाहते हैं, कि जो जिनका भाई पेट्रोल पंप पे काम करता है और परचून की दुकान चलाता है, जनता किसके साथ होनी चाहिए? जो आदमी आज रो रहा है अपने लोगों के मरने पे, उसके साथ रहना चाहिए कि जो घरों में बैठ के और राजनीति कर रहे हैं, या राहुल गांधी और जो ममता बनर्जी और जितने लोग, इनके साथ देश को जाना चाहिए? यह सोचने का सवाल है और इसकी यह बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी शांति है लेकिन अभी सारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, सारे लोग जनता के बीच में इस समय कूद के देखे हैं। मैं भी प्रवेश वर्मा जी के क्षेत्र का हूँ, देखिए ना इलाके में कितना, मैं भी कोरोना से पीड़ित था, आप जानते ही, आप लोगों ने मदद किया है और तमाम लोगों ने मदद किया है हमारा आके। तो ये जनता की सेवा करने का, सड़कों पर हमारे सांसद दिखाई दिए, हमारे लोग दिखाई दिए, हमारे कार्यकर्ता दिखाई दिए, हमारे स्वयंसेवक दिखाई दिए, ये होता है दर्द देश का गरीब के साथ, कंधा से कंधा मिला के चलने वाले के साथ। तो जोगी जी जो क्षेत्र में रहते हैं, एक तरफ देखे थे, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है, यह भी सिर्फ टीवी पे बयान देता है लेकिन फील्ड में कभी दिखाई नहीं देता। तो उसी तरह से वो फील्ड में रहने वाले जिस तरह से शांति कायम किए हैं और जिस तरह से इस पेंडेमिक में काम किए हैं जोगी जी, यही तड़प है, यही दर्द है कि जोगी जी पुनः आ गए तो 2024 में मोदी जी को भी कोई रोक नहीं पाएगा। यह दर्द इनको बार बार उत्तर प्रदेश के तरफ ले जा रहा है। ये तो हमारे साथ सुधीर पांडे जी, जिनका कहना है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से गंगा जी में जो लाशें हैं उनको डाला जा रहा है, लगातार साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता है वो योगी जी के साथ है और उसको पूरा भरोसा है मोदी जी पर, योगी जी पर, इनके नेतृत्व में लगातार जो सरकार को काम करती रहेगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।